हमारे पहले जो है दिवाली होती रही तो हमारे घर में जो है दुई कमरा पूरे बमन ते भरे रहते रहे। बमन? हाँ बमन, बमन भी नहीं जानते हो? नहीं। बम 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 ते भरा रहते रहे, बमोटे भरा रहते रहे। ठीक मास्टर जी, ठीक। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार आ चुके हैं एक और नई गेम प्ले वीडियो लेकर वापस। और भाई ये जो गेम प्ले है भाई लिविक मैप का, जो आपका नया मैप आया, मतलब भाई पुराना हो चुका है मैप तो, लेकिन मेरे लिए नया है क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल पे इसे पहली बार डाल रहा हूँ उसकी वीडियो। और भाई यहाँ पर मेरे जो कपड़े हैं मेरे को बड़ी बेदर्दी से लोबी में नंगा कर दिया गया था भाई, कपड़े मांग मांग कर। और यहाँ पर इस बंदे को देखो, मतलब भाई जो इस बंदे को माइनस लगा होगा ना यार, ये यही जान सकता है। अब भाई ये वाली जो नई गन आई है यार, ये DM आ रहा है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें 8x लग जाता है। और जो ये गन है भाई ये M416 की तरह है बिल्कुल, मतलब भाई इसका रिलोडिंग साउंड भी बिल्कुल M4 की तरह है। अब भाई मेरे को इतना नहीं पता कि ये सिर्फ इसी मैप में मिलते हैं कि सारे मैप में मिलते हैं, क्योंकि भाई अभी मैंने बहुत कम मैचेस खेले हैं। सही बताऊँ यार मैं सेफ खेल रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्रैप ग्रास में उतर रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये हॉट ड्रॉप नहीं है यहाँ का। अब मैं सेफ क्यों खेल रहा हूँ? क्योंकि भाई अभी मैं क्राउन तक नहीं पहुँचा हूँ, 1 महीना बीत चुका है यहाँ पर, और भाई मुझे क्राउन एस तक जाना था भाई। अब तो यार क्राउन भी मुश्किल से ही लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ उतरा था। लेकिन भाई यहाँ पर भी एक स्क्वाड पहुँच चुकी है, देखो अब इसे कैसे निपटाते हैं भाई साहब। अब भाई लोग ये चीज़ किसके साथ हुई है भाई? मेरे को लगा यहाँ पे होलो या फिर रेड रोड, मतलब मिला तो था नहीं, मेरे को लगा कि यहाँ पे आयरन साइट होगा मेरे पास में, लेकिन भाई ये क्या गजब चीज़ होती है। अब भाई इस बंदे के पीछे मैं कितना भागा भाई, पूरा घर का चक्कर लगा दे तब भी भाई ये बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और भाई इस घर में भी बंदा होता है, देखो भाई इसे कैसे निपटाते। पहले तो भाई अपना बोर्ड का किल सिक्योर करेंगे। अब भाई देखो ये जो सामने बंदा है ना इस घर में, अब यार ये मेरे को एंगल दे नहीं रहा था और इसने हमारे एक बंदे को नॉक कर दिया था, जो कि हमारा फर्स्ट नंबर और जो कि बहुत चहल रहा है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पे नॉक कर देता है। अब भाई यहाँ पे मेरे पे DMR होती है, और जो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरे पे UMP पे गोली सिर्फ 21 है भाई, कहाँ देख रहा हूँ, हाँ 21 गोले मेरे पास। तो पहले तो भाई मैं इस DMR में से वो निकालता हूँ। अब भाई जैसे ही नॉक करता है ना बंदा, मेरा जो मतलब मेरा बंदा है, एक बंदे को नॉक करके फिनिश कर देता है। मेरे को लगता है चलो ऊपर वाला गया, लेकिन भाई फुटस्टेप अभी भी आ रहा है बराबर। तो भाई सबसे बड़े TPP लेने की जगह ये इस घर में रश कर रहे थे, और भाई निपटा देते हैं यहाँ पे बड़े इजीली। अब भाई जल्दी से अपने टीममेट को जाके रिवाइव देंगे, बड़ी देर से चिल्ला रहा है भाई हेल्प हेल्प। अब भाई अपने बंदे को रिवाइव देने के बाद मुझे होश आता है कि भाई मेरे को किल ही नहीं मिला ऊपर वाले बंदे का, कहीं रिवाइव तो नहीं हो रहा भाई। बिल्कुल नो फुटस्टेप भाई, कोई फुटस्टेप नहीं दे रहा था। और भाई अंदर जाके देखता हूँ तो भाई कोई होता ही नहीं, और भैया जी यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑफलाइन हो गए होंगे। पहले तो मैं सोचा था इसे डायरेक्ट फिनिश करूँ, लेकिन भाई इस पे मुझे M4 ग्लेशियर दिखते हैं, तो पहले थोड़ा इमोट विमोट करता हूँ फिर ख़त्म करता हूँ। और भाई इस बंदे से M4 मिल जाती है, और भाई यहाँ पे मैं वेक्टर उठा लेता हूँ, जो कि भाई मैं ज़्यादा देर तक नहीं चलाऊंगा, पता नहीं क्यों उठाई थी मैंने उस वक्त। तो भैया जल्दी से यहाँ पे लूट पाट करके निकलते हैं फिर यहाँ से बंदों की तरफ। अब भाई यहाँ पे मैं सोच ही रहता हूँ कि मैंने वेक्टर क्यों उठाई, तभी भाई अपने बंदे को एक बंदा नॉक कर देता है, जो कि भाई पहले तो मेरे को स्पॉट नहीं होता, बाद में जाके भाई मेरे को स्पॉट हो जाता है। पहले मेरे को लगता है कि वो सामने वाले घर में, फिर भाई मेरे को यहाँ पे साइड में स्पॉट होता है, और भाई यहाँ पे मैं सोचता हूँ घुस के ही पेलते, लेकिन भाई बहुत गंदे गंदे स्कैम हो चुका है। तो भैया पहले मैं यहाँ पर नेड़ खींचता हूँ एक, और भाई देखना क्या ही नेड़ था ये। और भाई अगर आपको ये वाला नेड़ अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक वाले बटन पे भी नेड़ फेंक के मार दो भाई, एकदम ब्लास्ट हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब का बटन भी साथ में। और भाई इसे जल्दी से ख़त्म करते, और भाई अब यहाँ से लूट पाट करके सच में निकलते हैं अब इधर से। अब भाई लोग क्रैप ग्रास से हम थोड़े ही आगे निकले थे, तभी भाई लोग यहाँ पर एक कैंपर बोट फायर देता है। अब भाई कैंपरों के आगे जाना, मतलब जो भाई TPP ले रहा है आपके अगेंस्ट उनके आगे जाना तो बेवकूफ़ है, और भाई पता नहीं कौन से कोने में छुप के बैठा हो। तो भाई जल्दी से मैं अपना चुपचाप यहाँ पे बोट मारता हूँ, एक ताकि किसी को पता ना चले। चुपचाप क्या भाई, ऐसे खुले हम बोट मारा मैंने, सबको पता चल सकता था, लेकिन भाई किल अपनी जेब में गई है, तो भाई दिक्कत कहाँ आ रही है। तो भाई अभी यहाँ पे देखो हमारे ऊपर जोन भी नहीं है, और यहाँ पे ड्रॉप गिरा था, तो भाई मैं सोचता हूँ चलो ड्रॉप पे चलते। और भाई 4 नंबर मेरे पीछे पीछे ही आ रहा था, पता नहीं भैया हमारे को पीरो समझ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हम बहुत बड़े नूबड़े हैं। तो भाई पहले तो मैं भी थोड़ा इधर उधर चेक करता हूँ कि भैया कुछ फुटस्टैप दे, तो भैया मारे लेकिन कुछ आता ही नहीं है भाई फुटस्टैप के नाम पे। तो भैया मैं यहाँ पे 4 नंबर जी को बिठा के अपने ड्रॉप पे चल देता हूँ फिर। अब भाई लोग जैसे कि आप लोगों को किल फील्ड आई, ये वही भाई कैंपर था जो मेरे टीममेट ने अभी मारा है। देखो भाई फर्स्ट नंबर की हेल्थ कितनी हो गई, मतलब भाई एकदम कोने में छुप के बैठा होएगा,
लेकिन कोई बात नहीं। अब भाई यहाँ से मेरे को मोन्सी ट्रक दिख रहा था, लेकिन भाई मैं इस ड्रॉप में आके ठोकता हूँ और भाई इधर होते हैं गलत सीन। अब क्या गलत सीन होते हैं, मेरे को लगता है कि यहाँ पे भैया कुछ तो मिलेगा, ओग वोग ग्रोजा व्रोजा, लेकिन भैया ये भी लूटेड था। और यहाँ पे भैया मैं प्रोन कर जाता हूँ, ऐसी अंधी फायरिंग देता हूँ, लेकिन भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। भाई सबसे पहले तो मैं आता हूँ इस पहाड़ के ऊपर, क्योंकि मुझे पता था भाई अगर मैं इस पहाड़ के ऊपर रहा ना तो भाई कुछ हो भी सकता है ज़िंदगी में, अगर मैं नीचे ही रहा तो भैया फिर तो मरेंगे ही हम लोग। अब भाई देखो, अगर मैंने इसको क्लच कर दिया ना, भाई यहाँ पे तीन बंदे हैं, अगर इनको क्लच कर दिया तो आपको भाई आज सब्सक्राइब मारना पड़ेगा। अब यार अगर मैं इधर 0.1 सेकंड भी लेट प्रोन होता ना भाई, तो आपको पता है मेरा भी क्या हाल होता है, मेरा भी चार नंबर की तरह हाल होता। तो भाई पहले तो मैं इसको रिवाइव देता हूँ, क्योंकि भाई मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर भाई मैं आगे बढ़ गया बंदों की तरफ, अगर उन्होंने मेरे को नॉक कर दिया तो यार हम दोनों ही चले जाएंगे, क्योंकि हमारे टीममेट भी बहुत दूर हैं। तो पहले तो भाई इसे मैं रिवाइव देता हूँ, और फिर देखो भाई ये जो नेड है ना यार, ये एक बार देखो भाई क्या ही कमाल करता है ये वाला नेड। अब यार आप मानो ना मानो, जब मैं नेट फेंक रहा था ना, जो इसके नीचे जो छोटा सा डॉट होता है ना रेड कलर का, यार मेरे को वो दिख भी नहीं रहा था, बस मैंने ऐसे ही फेंक दिया। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जब मैं नेट फेंक रहा था तो पीछे से भी किसी ने मेरे पे फायरिंग करी थी, तो भाई अभी मैं डर डर के जा रहा था। अगर भाई देखो एक बंदा तो मेरे टीममेट ने फिनिश कर दिया, यहाँ पर दो बंदे थे, भाई देखो इन्हें कैसे मारते हैं यहाँ पर। अब भाई अगर ये वाला क्लच अच्छा हो तो भैया लाइक मार देना जल्दी से। भाई यहाँ पे मैं ग्रोजो तो उठाता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पे मैं एक्सटेंडेड मैग नहीं उठाता, क्यों भाई, क्योंकि पीछे से जोन भी लात मारने के लिए आ गया था, और भाई ये लास्ट के जोन में से एक था, तो भाई हेल्थ भी बहुत जल्दी जल्दी जा रही थी, तो मैं जल्दी से भागता हूँ यहाँ पर। और भाई डर इस बात का था कि सामने वाली टीम ना मारने लगे, और भाई फिर तो रिवाइव करने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, मेरे ख्याल से वो दूसरी टीम के साथ बिजी होंगी। तो भाई अब जल्दी से यहाँ पे फर्स्ट एड स्टेड लगा के जोन के अंदर निकलते हैं फिर। तो भाई लोग जोन के अंदर एक यही जगह थी जहाँ पर मेरे को लगा कि ये अच्छी जगह स्टे करने के लिए, क्योंकि भाई राइट साइड पहाड़ी पे बंदे, और इससे अच्छा कवर मेरे ख्याल से है नहीं कहीं पे। अब सामने मुझे स्पॉट तो होते हैं बंदे, मैं फायरिंग देता भी लेकिन किसी के लगती नहीं है। और यहाँ पे भाई जब मैं पेन किलर मार रहा होता ना, तो भाई राइट में से फुट स्टेप आते, और ये बंदा जो था ना बिल्कुल सरप्राइज था भाई मेरे लिए और मेरे टीममेट के लिए। अब भाई यहाँ पे हमारे दो बंदे नॉक हो चुके थे भाई, जिसमें से कि मुझे चार नंबर को तो बचाना ही था, क्योंकि भाई अगर दोनों ही मर गए तो फिर क्या ही फायदा, और जिसमें से कि भाई मैं चार नंबर को तो बचा लेता हूँ, लेकिन भाई हमारा तीन नंबर मर जाता है। अब भाई लोग यहाँ पर मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई थी, मतलब मेरे से मान लो या मेरी पूरी टीम से मान लो, जब हमने गेम शुरू करा था ना तभी हमारे को एक चार बंदों वाली या तो डासिया तो मेरे ख्याल से मिलती नहीं, या फिर मॉन्स्टर ट्रक या फिर यूएजेड रखनी चाहिए थी। और भाई मैं बग्गी लेके यहाँ पर अकेले रश कर दिया था, तो ये भाई मैंने सोचा ही नहीं। और भाई अब ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी जोन के अंदर जाना, और भाई ये गोली भाई मेरी लगी कहाँ से यार, पूरा तो कवर में यार, पबजी के भी अलग ही नशे चल रहे हैं। और भाई यहाँ पे देखो एक नंबर से कितनी बड़ी गलती हो जाती है, भाई एक नंबर खुले में रश कर रहा है, कम से कम स्मोक तो बना जाता भाई, हमारे लिए तो बना जाता कम से कम स्मोक। अब यहाँ पे भाई मेरे पास भी चार ही स्मोक होते हैं यार, जो कि इनफ नहीं होते भाई, क्योंकि सामने भी बंदे होते हैं। तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि इस बंदे पे तो स्मोक होएंगे, लेकिन इस पे भी भाई कोई स्मोक नहीं होता। अब भाई मेरे पे लास्ट स्मोक था, तो मैं अभी इसे ऐसे ही फेंक देता हूँ यार, क्योंकि मैं चार स्मोक ही कैरी करता हूँ। और भाई वो बंदे भी फुल मूड में थे भाई साहब स्मोक में मारने के लिए। अब यहाँ पे मेरे को हल्का सा डर लग रहा था, क्योंकि भाई आगे बिल्कुल स्मोक का कुछ नामो निशान नहीं था, तो मैं भाई सोच रहा था अब तो गए। और भाई जो एक सहारा था ना मेरा चार नंबर, वो भी चला जाता है। अब भाई इसी पत्थर के आगे बंदा होता है, अब देखो अब भाई लोग इधर मेरे को खुशी भी हो रही होती है और दुख भी हो रहा होता है। भाई खुशी इस बात की कि लास्ट बंदे को मेरा किल नहीं मिला, अगर आप रिवाइंड करके देखो तो मैं जोन से मरा हूँ। और भाई दुख इस बात का हो रहा होता है, अगर जोन ना आता ना तो मेरे ख्याल से भी मैं दूसरे बंदे को भी नॉक कर देता, और यहाँ पे शायद से मैं दूसरे बंदे को नॉक करके कवर में जाके तीसरे को भी मार सकता था, और भाई फिर चिखंडे ने अपना ही होता, लेकिन भाई जोन ने खेल ख़त्म कर दिया यहाँ पर। तो भाई यही था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। भाई आगे एक लाइब्रेरी मोड का भी, मतलब जो आपका नया मोड आया, नया ही है भाई, वो तो लाइब्रेरी मोड की एक क्लिप है छोटी सी भाई, इसमें मैं पैन नहीं कर पाया लेकिन उसमें मेरे 15-16 किल थे, तो भाई वो देख के जानना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।